ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने दुर्ग एसपी कलेक्ट्रेट से निगम क्षेत्र में शहर की जनता से जुड़ी समस्याओं का निराकरण किए जाने मुलाकात कर की चर्चा। इस अवसर पर पार्षद व एल्डरमैन भी रहे उपस्थित। नगर पालिक निगम दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल ने मंगलवार को दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के पास कलेक्ट्रेट कक्ष में शहर की जनता से विभिन्न समस्या का निराकरण किए जाने को लेकर चर्चा की, जिसमें शहर के जर्जर स्कूलों का संधारण कार्य, डीएमएफ फंड से शहर के जल संकट निवारण हेतु अप्रैल पूर्व बोर खनन और अनुमति, इंदिरा मार्केट से स्टेशन व महाराजा चौक से पोटिया व स्टेडियम से सुराना कॉलेज रोड संधारण जैसे विभिन्न विषयों को लेकर अपनी बातें संज्ञान में बताया गया। साथ ही इस अवसर पर महापौर ने सभी पार्षदों के साथ दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव से मुलाकात कर आगामी होली पर्व के पूर्व वार्डों में संबंधित थाना के प्रभारियों के साथ शांति समिति की बैठक, वार्ड पार्षदों के साथ महाराजा चौक के सर्किल को कम व यातायात भवन को हटाने, लोक निर्माण को अभिमत देने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चाएं की गई। इस अवसर पर सभापति राजेश यादव, अब्दुल गनी, संजय कोहले, दीपक साहू, भोला महोबिया, हमीद खोकर, मनदीप सिंह भाटिया, मदन जैन, नजहत परवीन, राजेंद्र शर्मा, रत्ना नारामदेव सहित अन्य मौजूद रहे। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। महापौर के माध्यम से हम लोगों की बैठक माननीय एसपी महोदय और कलेक्टर महोदय के साथ में हुई, और अभी फिर आने वाले समय में 8 मार्च को जो होली होने है, त्यौहार है, तो उसमें शांति व्यवस्था वार्डों में कैसी बनाई जाए, क्योंकि कुछ गुंडे तत्व के लोग जो रहते हैं अव्यवस्थाएँ फैलाते हैं, तो उस पर अभी से रोकथाम लगाई जाए जिससे लोगों को परेशानी का सबब न हो, और ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएँ सुधारने के लिए भी बात की गई। वैसे माननीय कलेक्टर महोदय से भी बहुत से जो स्कूलें जर्जर हो रही हैं स्कूलों के ऊपर से चर्चा हुई, और कई जगह इस तरह की जो व्यवस्थाएं करनी है उन व्यवस्थापन पर बात की गई है। प्रयास से आज पूरे पार्षदों का, एमआईसी का, कलेक्टर के साथ एक मीटिंग हुई। शहर विकास को लेकर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें हम व्यवस्थित शहर भी चाहते हैं और जो ट्रैफिक की समस्या होती है उस समस्या से मुक्ति भी चाहते हुए हमने कलेक्टर साहब से चर्चा की है। उन्होंने आश्वस्त किया कि बहुत जल्द हमारे साथ घूमेंगे, और उसके बाद मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं आपके मंच से कि कलेक्टर साहब ने जो विभिन्न 25-30 सालों से नगर निगम में आ रही और पटवारी नहीं होने की वजह से ज़मीनों का सीमांकन और ज़मीनों की इसमें जो त्रुटि होती है उसके लिए उन्होंने बोला कि हम कल ही डिपटेशन में नगर निगम को देंगे। मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उनका और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग नगर निगम के कांग्रेस पार्षद दल, निर्दलीय साथी, एल्डरमैन साथी, सबसे पहले सुबह हम लोग एसपी साहब से मिले, और शहर में अभी होली है, शांति व्यवस्था को लेके, ट्रैफिक व्यवस्था को लेके, महाराजा चौक में लगातार जो एक्सीडेंट हो रहे थे उसको लेके हम लोगों ने चर्चा की कि सर्कल को छोटा किया जाए, और ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण इशू को लेके आज सवेरे हमने एसपी साहब से मिले। फिर उसके बाद भी कलेक्टर साहब से मिले कि बहुत से शहर के विकास को लेके हम लोगों ने चर्चा की, सामने गर्मी है, पानी के संकट को लेके चर्चा की, हमारे जमीन नगर निगम की बहुत सी ज़मीनों के हस्तांतरण का प्रोसेस चल रहा है, हमारे कार्यालय भवन का हस्तांतरण का प्रोसेस चल रहा है, उसको लेके हम लोगों ने चर्चा की। एक बहुत ही सार्थक चर्चा सभी पार्षद साथियों के साथ आज एसपी साहब और कलेक्टर साहब से हुई। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।